नमस्कार, मैं नरेश कुमार आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। आपकी ऑन डिमांड जो काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे बच्चों के, तो उन सारे कमेंटों के जवाब को लेकर ही जो है आज ये वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के बीच में। तो आप सभी से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके जितने भी जो डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं वो आपके जो मैं क्लियर कर सकूँ। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी आपको दिखाई दे रहा होगा साथ में, तो उसको भी जरूर दबाइएगा ताकि जो आपको जब भी कोई वीडियो लेटेस्ट अपडेट आए उसका जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाए वीडियो के अंदर। तो साथियों, जैसे कि आपको पता ही है कि काफ़ी सारे जो है डाउट आपके मन में चल रहे हैं। सबसे बड़ा डाउट तो आपको यही है कि एग्ज़ाम कब होंगे, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन इसको लेकर जो है आपके मन में चल रहा है। क्योंकि हाल ही में जो है एक डेट शीट जो वायरल हो रही थी व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उसको लेकर भी काफ़ी संशय बना हुआ है, क्योंकि डीजीटी ने अभी तक उसको वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं किया है। तो इसके रिगार्डिंग भी जो काफ़ी डाउट चल रहे हैं कि वो सही है नहीं है, तो ये साथियों ये कन्फर्म है कि वो जो है जो डेट शीट जारी की गई थी वो डीजीटी के द्वारा ही थी, कोई फेक नहीं थी। लेकिन कुछ टेक्निकली कारण रहे हैं, उसका कारण जो है अपलोड अभी तक नहीं हो पाया है। तो इसके रिगार्डिंग जो मैंने डीजीटी को फ़ोन भी किया था तो उन्होंने बताया भी था कि जल्द ही हम इसको जो है साइट के ऊपर अपलोड कर देंगे, लेकिन अभी तक जो है अपलोड नहीं किया है। तो इसके कारण अब क्या रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर मैंने डीजीटी को जो है एक मेल भी किया हुआ है, तो उसका जैसे ही रिप्लाई आएगा तो आपके बीच में ज़रूर साझा करूँगा मैं। तो वो मैं दिखाना भी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी कई बार मेल किया हुआ है तो उनके जवाब आए हैं हर बार। ये देख सकते हैं साथियों, मैंने अभी जो है 19 सितंबर 2020 को डिस्ट्रिक्ट को मेल किया था कि रिस्पेक्टेड सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आईटीआई के एग्ज़ाम कब तक होंगे। अभी तक वेबसाइट पर जो है ऑफिशियल नोटिस जो है नहीं आया है, और जो एग्ज़ाम डेट शीट जो का नोटिस जो व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है, क्या वो सही है, और आईटीआई कब से खुल रही है, और बैक पेपर वालों जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, जल्द ही जो है जवाब देने का कष्ट करें। तो ये देख सकते हैं, मैंने बकायदा आपके जो भी कमेंट्स होते हैं जिनके डाउट शायद मैं भी क्लियर नहीं होते तो मैं मेल कर देता हूँ डीजीटी को। तो जल्द ही इसका जैसे ही जवाब आता है तो मैं आपके बीच में उसको साझा ज़रूर करूँगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेट शीट के बारे में तो अभी श्योरिटी है नहीं, क्योंकि ये कन्फर्म है कि जो डेट शीट जारी की थी वो डीजीटी के द्वारा जारी की गई थी, लेकिन जो अब उसका अपडेट जो है लेटेस्ट अभी तक जल्द ही डीजीटी जारी कर देगा। लेकिन उसका मेन रीज़न ये भी रह रहा है कि कोरोना जो है कम नहीं हो रहा है, लगातार जो है बढ़ ही रहा है, तो उसके कारण जो मेन जो रुकावट आ रही है, ये सारा जो सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, वो सारा कोरोना के कारण ही हो रहा है। तो डेट जो है अभी शायद ये कन्फर्म जल्द ही डीजीटी के रिगार्डिंग कोई लेटर जारी कर देगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जो एग्ज़ाम है अब बिहार के अंदर इलेक्शंस भी है और काफ़ी स्टेट्स के अंदर बाई इलेक्शन भी है, तो उसके कारण भी जो है डेट्स जो है क्लैश कर रही है, जो डेट शीट जारी की गई डीजीटी के द्वारा, तो उसके कारण भी जो है शेड्यूल में कुछ चेंजेस दिखाई बनते हैं। तो जैसे ही कोई डीजीटी अपना अपडेट देगा तो उसके अंदर आपको जो डेट शीट के अंदर है उसमें चेंजेस कुछ अप डाउन मिलेंगे आपको, ये डेफिनेटली कन्फर्म है। क्योंकि मेन रीज़न एक तो आपका बिहार इलेक्शन है, सेकंड कोरोना है, तीसरा जो है सबसे बड़ा जो यहाँ पर आपका चांसेस है कि डेट शीट चेंज हो जाएंगे, तो उसका मेन रीज़न यही है कि अभी तक आईटीएस किसी भी स्टेट में ओपन नहीं हुई है। क्योंकि डीजीटी ने बोला था कि जब भी आईटी ओपन होगी उसके बाद आपको 40 दिन का जो है प्रैक्टिकल जो है पूरा करने के लिए आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, तो अभी तक आईटीज ओपन नहीं हुए कोरोना वायरस के कारण, क्योंकि सभी स्टेट्स के अंदर जो है केसेस जो है बढ़ रहे हैं। तो अभी तक यहाँ किसी भी स्टेट्स में मेरे ख्याल से तो अभी तक जो है आईटीआई ओपन नहीं हुई है। और बताना चाहूँगा कि जो है अभी जो अनलॉक जो है जो नया जारी किया गया गाइडलाइन इस अक्टूबर मंथ की, तो उसमें बोला भी गया है कि 15 जो है अक्टूबर से स्कूल वगैरह की खोलने की परमिशन भी दी गई है। तो हो सकता है कि 15 अक्टूबर के बाद जो है कोई गाइडलाइन आ जाए आईटीआई खोलने को लेकर स्टेट के ऊपर, लेकिन जो भारत सरकार ने जो है आईटीआई खोलने का डिसीजन है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही दिया है, तो स्टेट ही डिसाइड करेगी राज्य सरकार की आपकी आईटीआई कब से खोल सकती है।
हर स्टेट के अंदर जो है कोरोना की जो है कंडीशंस जो है अलग अलग है। तो मेन ये तीन रीजन मैंने बताए यहाँ पर डेट शीट चेंजेस होने के चांसेस। अब बात आती है कि जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन रहेंगे या ऑफलाइन, तो उसके रिगार्डिंग डिस्ट्री ने अपना जो है जो डेट शीट जारी की गई थी उसमें क्लियरली जो बताया गया कि आपके जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन ही रहेंगे। और बात करें अगर बैक पेपर वाले स्टूडेंट की, तो उनका अभी भी चांस बरकरार है, जहाँ तक मेरा आइडिया है तो वो बैक पेपर वाले के एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन ही रहने वाले हैं। और जो बाकी आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑफलाइन रहेगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आपका ऑफलाइन रहेगा, और इंजीनियरिंग ड्राइंग एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो आपके आईटीआई में ही होंगे, होम सेंटर के अंदर ही आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। और जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो आपके प्राइवेट एजेंसी के थ्रू आपके नियर बाय आईटीज में जो है करवाए जाएंगे। तो ये तो सारी बात थी साथियों एग्ज़ाम की। अब बात करते हैं कि जो प्रमोट वाला जो प्राइवेट एसोसिएशंस जो है लगातार अपना प्रदर्शन करी, अपने मांग पत्र भी काफ़ी बार दिए हैं, और हाल ही में जो 3 अक्टूबर को उन्होंने जो है दिल्ली के अंदर जो है जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया है। तो उनकी उसमें काफ़ी सारी उनकी जो मांग थी, मेन जो थी आपकी, एक तो आपके जो है एग्ज़ाम ऑफलाइन कराने के बारे में मांग थी उनकी, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। सेकंड मांग थी कि जो फर्स्ट ईयर के छात्रों को जो प्रमोट करने की मांग, और तीसरी उनकी मांग थी कि उनकी काफ़ी सारे रिजल्ट को लेकर जो है गलतियां चल रही थी, जिसको बार बार जो डिस्ट्रिक्ट को बोला जा रहा था, लेकिन उनकी ठीक नहीं हो रही है। स्पेशली अभी जो प्रीवियस रिजल्ट आया था जिसमें बहुत सारे बच्चों के जो है मार्क्स जो है 0 शो किए थे, तो ये काफ़ी बड़ी जो फेलियर था डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर। तो उसमें सारा जो है दोष काफ़ी बच्चों को तो जब ग्रेस दे दिया गया, कुछ को जो है 0 वाले को पास भी किया गया, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे थे जो रह गए हैं, और वो अब उनका काफ़ी सारा जो है टाइम भी वेस्ट हो चुका है, क्योंकि जो है एग्ज़ाम आपके पूरे 1 साल जो है लेट हो गए, 2 साल के 3 साल में जो है जा पड़ी है। तो इसको जो इतना सारा स्टूडेंट्स को जो है सहन करना पड़ रहा है, मैं समझ सकता हूँ आपकी जो इस स्थिति से जो है गुजर रहे हैं जो बैक पेपर वाले स्टूडेंट्स हैं। तो इसके लिए पूरा जो है हम किसी को डायरेक्टली तो दोष नहीं देंगे, लेकिन है डिस्ट्रिक्ट की कुछ ना कुछ यहाँ पर इसकी कमी दिखाई दे रही है, लेकिन वो भी मजबूर है क्योंकि कोरोना वायरस आपको पता है कि मार्च से लेकर अभी तक जो है सभी को परेशान कर रहा है, सभी को जो है कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जो है परेशानी में डाल रहा है। तो ये तो साथियों कोरोना अभी चलने वाला ही है, आपको भी पता है। तो जहाँ तक आइडिया है मेरा, ये मेरा मानना है कि जो एग्ज़ाम है काफ़ी जो है हो सकता है आपके नवंबर दिसंबर तक आपके खिसने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके के हालात जो है अब मौके पर जो बनते दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों यही कहना चाहूँगा कि जो है अपनी तैयारी को आप मत छोड़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके 100% होंगे ही होंगे, तो कहीं आप प्रमोट के चक्करों में कहीं आप छोड़ ना दें अपनी पढ़ाई को। जो भी ऑनलाइन माध्यम से आपकी पढ़ाई जारी है तो उसको आप सुचारू रूप से जो है करते रहिएगा। तो एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ हरियाणा राज्य के अंदर जो है छात्रों के जो है एग्ज़ाम के फॉर्म भी यहाँ फिलअप करवाने शुरू कर दिए हैं। तो जो भी होगा आपको लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। तो साथियों आपसे यही बार बार गुजारिश करता हूँ कि इतनी मेहनत से आपके लिए मैं जो है लेटेस्ट अपडेट्स जो भी होती है आपके लिए लेके आता हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो को जो है आप अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों आपसे यही मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि आपके लिए लगातार जो है मैं एफर्ट करता रहता हूँ, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट को जो है मेल भी कर देता हूँ, टेलीफोन पे भी जो बातचीत मैं करता हूँ आपके रिगार्डिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता होती है अगर मैं अपने लेवल पे उसको सॉल्व कर सकता हूँ तो आपको जरूर मैं आपको जवाब भी देता हूँ, और मैं लगभग सभी स्टूडेंट्स को जो कमेंट में जवाब देता ही देता हूँ। और कोशिश यही रहती है कि आपकी हर तरह से जो है हेल्प की जाए, क्योंकि जो आईटी के अंदर है वो काफ़ी सारे जो है गरीब मध्यम परिवार के ही छात्र आते हैं, और जहाँ तक काफ़ी बच्चों के स्टूडेंट्स के मेरे पास जो टेलीफोन भी आते हैं तो उनसे यही सुनने को मिलता है कि उनकी आईटी के स्टाफ जो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, कोई सूचना नहीं देते हैं। तो मुझे सुनकर ये बड़ा दुख भी होता है कि जो स्टाफ वहाँ का कोऑपरेट नहीं करता है, खासकर जो प्राइवेट आईटी के स्टूडेंट हैं उनको तो काफ़ी दिक्कत रहती है। तो मेरा यही लक्ष्य है कि आपको हर तरह की जानकारी से अपडेट करवाया जाए, किसी भी तरह का आपका जो है लॉस ना हो, और जो सही और सटीक जानकारी है वही मैं आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से हमेशा ही देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा।
क्योंकि मैं खुद एक आईटी के अंदर इंस्ट्रक्टर हूँ ड्राइंग का, तो मेरा ये पूरा मकसद यही रहता है कि बच्चों को सही गाइड किया जाए, और उसी के लिए हम हैं यहाँ पर आईटीआई के अंदर। चाहे आप हो चाहे किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स हो, जितनी भी मेरी बनती है मैं पूरी आपकी जो है हेल्प जरूर करता हूँ। और काफ़ी सारे बच्चे जानते भी होंगे जिन्होंने जो मेरे से कॉल पर बात भी की हुई है, तो उनको पता ही है कि उनको किस तरह की जानकारी सही मिलती है नहीं मिलती है। तो आपसे यही मैं गुजारिश करूंगा कि साथियों सपोर्ट कीजिएगा, मैं आपके लिए तत्पर हूँ हमेशा। और साथियों अपनी तैयारी को जो है बरकरार रखिएगा, इसको बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि प्रमोट करने वाला ऐसा कोई भी अभी तक दिशा कोई भी दिखाई नहीं दे रही कि डीएसटी प्रमोट करेगी, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो इसमें जब तक आप प्रैक्टिकल से पूरा नहीं करते हो तो उसके बिना आपकी पढ़ाई अधूरी है, तो वो भी आपका जो है ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो उसके बिना जो है आपको प्रमोट करना तो एक तरह से आपके लिए ही नुकसान रहेगा। तो इसलिए डीएसटी भी यही चाहती है कि आपके एग्जाम करके ही आपको जो है पास किया जाए, तो अपनी तैयारी को निरंतर जो है करते रहिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेझिझक जो है आप मुझे कमेंट कीजिएगा वीडियो के अंदर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो आप उसको भी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको जो है कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई पीडीएफ होती है या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर जरूर शेयर करते हैं हम। तो आप कभी भी किसी भी एनी टाइम जो है आप कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो साथियों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।